अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद जावेदुद्दीन शाह फारसी टीवी 7 उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए नाजरीन देखते हैं आज की ये खास खबर। नाजरीन, खबर है शालीबंडा पुलिस स्टेशन हुदूद की, जहाँ पर आज शालीबंडा पुलिस ने लोगों को गुमराह करके चोरी करने वाली 3 रुकनी खवातीन की टोली को किया गिरफ्तार। जिया नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक शालीबंडा पुलिस स्टेशन के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ मिलकर ये 3 रुकनी टीम को किया गिरफ्तार। साउथ जोन DCP गजाराव भोपाल IPS ने मीडिया से बात करते हुए ये सारी तफसीलात बताई। आइए नाजरीन देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अफरोज की ये तफसीली खबर। एक मिनट सर। नंबर तो सेंड करो। राइट ओके सर, थैंक यू। पिछले हफ्ते April 3 को शालीबंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक अटेंशन डाइवर्सन का चोरी हुआ। एक लेडी ऑटो में जा रही थी, उनके साथ 3 और लेडीज आके उस पर साथ बैठ गए और उस पर ऊपर गिर के उसका छेड़छाड़ करके वो बीच में उतर गए। वो लेडी बाद में देखने से उसका जो सोने का ऑर्नामेंट्स है वो उसका मिसिंग हुआ। ये पता चला कि ये लेडीज़ उसको अटेंशन डाइवर्शन करके चोरी किए। शालीबंडे पुलिस स्टेशन का डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मनोहर शरीफ और उनके टीम उस दिन से लगे रहे इसी केस में पकड़ने के लिए, और इसमें 3 लेडीज़ को अरेस्ट किए। तीनों महाराष्ट्र से आए पूरे, ये मांगर बस्ती सिकंदराबाद में रहने वाले। ऐसे ही चोरियां करके आजकल वो करते रहे, और इसके ऊपर पहले दो केसेस है और पूरे का पूरा प्रॉपर्टी भी रिकवर हुआ। और इस केस में जो एक्टिव पार्ट है इनका, हमारा शालीबंडा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मनोहर शरीफ और उसका टीम, क्राइम स्टाफ सिब्बतुल्ला कांस्टेबल, श्रीकांत कांस्टेबल, विजय कुमार कांस्टेबल और सुपरवाइज करने में ACP मस्जिद साहब का भी बहुत इन पर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। इन सब के लिए हमारे कमिश्नर पुलिस संजय कुमार साहब के तरफ से सबको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। और एक अभी मामला भी चल रहा है, कोरोना फिर से वापस आ गए और केस रोज़ का रोज़ बढ़ता जा रहा है। और जो फर्स्ट फेज था लास्ट ईयर मार्च में, ये लॉकडाउन शुरू हुआ और पीक हमारी लास्ट टाइम पिछले साल पीक जो है सितंबर में सबसे ज़्यादा केसेस आए उस टाइम पे। और अब जब हम इस साल अभी देख रहे हैं कि 2-3 हफ्ते में उस पीक से भी ज़्यादा केसेस अभी एकदम से आ गए और ये मुसीबत ज़्यादा होता जा नज़र आ रहा है। इसीलिए सब लोगों के लिए हमारी गुजारिश है कि सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। और अब पिछले साल का और इस साल का फ़र्क है कि अभी वैक्सीन में हमारी आ गए, सब लोगों को हमारी तरफ से गुजारिश है कि वैक्सीन ले ले। सब लोग ले सकते हैं एक्सेप्ट जिनको मेडिकली अनफिट करा देगा। आपसे अपने आप को अनफिट नहीं करा दीजिए,
डॉक्टर अगर बोले आपसे कि आप नहीं ले सकते तभी आप नहीं ले सकते, नहीं तो सब लोग ले सकते। इसमें बहुत थोड़ी सी साइड इफेक्ट्स है, लेकिन हमको नज़र आ रहा है कि जो जो भी वैक्सीन लिया उनको बहुत लोगों को नहीं आ रहा, और उनको आया तो भी बहुत हल्के से सिम्टम से वो निकल जा रहा है। और हमारी पुलिस स्टाफ से, पुलिस ऑफिसर से, उससे उन सबको जल्दी से ले, जल्दी ये वैक्सीन ले ले, उनके लिए अवेलेबल किया गया। फ्रंटलाइन वॉरियर्स, पुलिस, मेडिकल स्टाफ सबको उनको 100% लेने का है। जो भी फर्स्ट डोज लिए और सेकंड डोज नहीं लिए वो भी आगे आके ये डोज ले ले। और एक कोरोना पे हम उस पर विक्ट्री पाने के लिए हम सब मिलके काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर।